झूठ बोला आपने वहाँ पर? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, मेरे पिताजी अपने संगीत का मुझे वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन उनको मेरे संगीत में इच्छा से ज्यादा जोश दिखाई दिया, तभी तो मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया। उसके बाद उनके पास संगीत सीखने के लिए काफी बच्चे आए, लेकिन सब लोग जाते वक्त संगीत को हॉबी की तरह फील करते थे, पर तुम्हारे यहाँ आने के बाद उन्हें संगीत का एक सही वारिस मिला है, सोच के बहुत खुश होने लगे थे। लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे शूट किया है, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी उसको सोच के ही मैंने ये फैसला लिया है कि तुम उनके दिल में बसी रहो। उनको हकीकत मैं नहीं बताना चाहता, और सच्चाई तुम्हारे पिताजी भी जानेंगे तो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोचेंगे और बाद में एक पिता का फर्ज निभाएंगे। वैसे भी एक्सीडेंटली सब कुछ हुआ, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया है। एक सच बोल के दुख देने से बेहतर होगा उसे छुपा के भला किया जाए, इससे ज्यादा मेरे दिल में और कुछ नहीं। सुनिए, भगवान रिश्तेदार तो सबको देते हैं, मगर अच्छा दोस्त हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। ये बात मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं। इस बात का मतलब अब मेरी समझ में आ रहा है। लेट्स बी फ्रेंड्स। हेलो अर्चना। अंकल, देखो तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। सैंडलवुड की वीणा। तुम एक सिंगर बनो, ये उनकी तमन्ना है। थैंक यू। ओ चिंटू बेटे, ये क्रिकेट किट तेरे लिए। थैंक यू अंकल। ये लो बेटी, ये तुम्हारे लिए, और ये भी तुम्हारे लिए। क्या विनोद, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं? लाया हो ना, ये तुम्हारे लिए, पसंद आया? इसका मतलब दोस्ती के खातिर कुछ लाए हो, मान गए। भाई साहब लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू भाभी। ये सब छोड़ो, तुम वो दिल्ली से ट्रांसफर करवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? हाँ हुआ तो जरूर, लेकिन वो ट्रांसफर बिहार में हुआ। बिहार? हाँ भाई, नाउ आई एम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारे गांव तेजपुर भी गया था मैं, वहां तुम्हारी बहन से मिला। क्या तुम मेरी बहन से मिले? अब भी वो ऐसी ही दिखती है या फिर बदल गई? वो तुम खुद ही देख लो। कुछ देर पहले पूछ रहे थे ना क्या लाया तुम मेरे लिए। देखो मैं क्या तोहफा लाया हूं, ये तुम्हारे परिवार के लिए है। तुम ही बताओ देख के कैसी है तुम्हारी प्यारी बहन। अब तक मेरी बहन वैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं बदली वो। अब तुम्हारे जीजाजी मामूली आदमी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, और साथ ही प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी। और ये जो है ये उनका बेटा है। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल राइट। तुम्हारी बहन भी इसी तरह तुम लोगों की फैमिली फोटो देखकर बहुत रोई थी। तुम दोनों परिवारों के बीच कुछ प्रॉब्लम से ये बात मैं जानता हूं, लेकिन वो क्या है मैंने तुमसे कभी भी नहीं पूछा, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स है। बहन भाई का संबंध बड़ा अटूट होता है, जैसे राखी के दिन बहन भाई को चाहे कहीं भी हो याद करती है। सगी बहन से भी ज्यादा तुमने उसे प्यार दिया, फिर क्यों दूर हो गए तुम दोनों? दोस्त होने के नाते क्या मैं जान सकता हूं? बड़ी पुरानी दास्तां है, आज तुम्हें बताकर शायद दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। हम बड़े जमींदार थे, गांव में हमारी बहुत जमीन जायदाद थी। सामने के घर में ठाकुर ठाकुरायन और उनकी बेटी रहा करते थे। दोनों परिवारों के बीच बहुत प्यार आदर सत्कार हुआ करता था, जिसे सारे गांव वाले दो भाइयों का कुटुंब कहते थे। बिहार में ठाकुर और भूमिहीनों के बीच हमेशा झगड़े चला करते थे। अमीरों को हमेशा ये डाकू लूटते थे और खून खराबा चलता था। एक बार राखी के दिन डाकुओं ने हमारी खुशियों में आग लगा दी और हम दोनों परिवारों को चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी 2 घंटे चली और इस लड़ाई में यशोदा के माता पिता मारे गए, और मरते मरते यशोदा के घर वालों ने यशोदा को मेरे हवाले करते हुए कहा कि आज से मैं उसका रखवाला, उसका बड़ा भाई, सब कुछ नहीं हूं। प्यारी यशोदा रोते रोते मुझसे लिपट गई। उसके बाद मैं गांव छोड़कर उसके साथ तेजपुर आ गया। पढ़ाई खत्म करके मैं पुलिस ऑफिसर बन गया, और वहीं गांव में मेरी मुलाकात राणा से हुई, जो बड़े ठाकुर का बेटा था। हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और राणा गांव रक्षक दल का सरदार बन गया। मैं पुलिस के बारे में सोचता था और वो हमेशा गोलियों से खेलता था। उसका मेरे घर आना जाना बहुत बढ़ गया। एक दिन पता चला
कि यशोदा और राणा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दोनों की शादी करवा दी मैंने, तभी महाराष्ट्र कैडर में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहां मुंबई में मेरी मुलाकात शारदा से हुई और दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया। ये बात मैंने अपने दोस्त और जीजाजी को बताई और उसको यह पसंद नहीं था। उसके दिमाग में था कि मैं उसकी चचेरी बहन से शादी करूंगा। दोनों में बहस की वजह से तनाव हो गया। वो अपने एहसानों का बदला मांग रहा था। बात इतनी बिगड़ गई कि उसकी चचेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। राणा ने उसकी मौत का कारण मुझे समझा और मुझे मारने चलाया, लेकिन यशोदा ने मेरी प्राणों की भीख मांगकर वहां से मुझे बाहर निकाला और उस दिन से मैं अपनी यशोदा से बिछड़ गया हमेशा हमेशा के लिए। और आज तक अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए मैं तड़पता हूं। भगवान पता नहीं कब हम दोनों भाई बहन को मिलने का मौका देगा। परेशान मत हो, तुम दोनों भाई बहन के बीच कोई नहीं आ सकता। मैंने सुना है भारत देश में जहां कहीं भी कुंभ का मेला लगता है, तुम्हारे जीजाजी वहां जाकर अपनी चचेरी बहन की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध जरूर करवाते हैं। और इस साल ये मेला तुम्हारे राज्य में लगने वाला है। वो परिवार के साथ वहां जरूर आएंगे और मुझे विश्वास है कि वो पुराना झगड़ा भूल के अपने दोस्त को माफ कर देंगे। पटना से हैदराबाद जाने वाली पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। यात्रियों का स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 7615 पटना से हैदराबाद जाने वाली पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। यात्रियों का स्वागत है। डैडी, बुआ और सब लोग आएंगे ना? विनोद अंकल ने बिहार से फोन करके बताया कि वो लोग निकल चुके हैं, जरूर आएंगे यहाँ पर। ठीक है सर, मैं सब संभाल लूंगा सर। ओके सर। सर क्या हुआ? बिहार से कोई एक एमपी आ रहे हैं सर, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पधार रहे हैं। सस्पेंड होकर भी इतने सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हो। ये प्रिंट आउट तो मेरे डैडी को दोगे तो जो बैड इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर है वो चला जाएगा। वो नहीं मानेंगे। क्यों? अपना सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए किसी और की फोटो लाकर उन्हें दे रहा हूं ऐसा बोलेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसे बारिश के आने से पहले वाली घटा, जैसे वो क्लियर हो जाती है उसी तरह तुम्हारे पापा को भी मेरी सिंसियरिटी का पता चल जाएगा। बैठो। क्या आ जाएगी? बारिश आ जाएगी। अरे इतने प्यार से बारिश आ रही है तो हम लोग भीगेंगे ना? हम भीगेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रिंट आउट नहीं भीगना चाहिए, वरना उसका चेहरा स्पेन करते करते एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। जल्दी भगाओ, फास्ट। पीछे जाओ।
तेज चलाओ, अरे भगाओ जल्दी। क्यों मारा उसे? तुम नहीं जानती। उसने मेरी कमर पर हाथ डाला इसलिए ना। फिर जान के भी क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं स्लिप होके नीचे गिरने वाली थी तो उसने मुझे पकड़ लिया। इतनी सी बात के लिए तुम इतना मारोगे क्या? यानी मुझे कोई भी मर्द छुएगा तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल। अगर कोई लड़की भीगे कपड़ों में हो और कोई मर्द उसे बुरी नजर से देखता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी लड़की अपने चाहने वाले के साथ चार दीवारी के बीच शर्माएगी तो अच्छी लगेगी, इस तरह भीगे बदन लोगों के सामने आओगी तो अच्छा नहीं लगता। तुम अंदर आओ ना। नहीं, तुम्हारे पापा देखेंगे तो कुछ और समझेंगे। चलता हूँ।